सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट आया। वैसे अमूमन होता नहीं है, मैं कभी लेट नहीं आता हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो गई मैं निकल नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस यही है, थोड़ी सी बात बतानी थी आप लोगों को कि मेरी फिल्म आने वाली थी 25 जनवरी को, और पद्मावती की फिल्म भी आने वाली थी, और आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ। देखिए, हम लोग सब एक ही फैमिली है एंड आई कैन अंडरस्टैंड ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट एंड उनके काफ़ी पैसे लगे हुए हैं, स्टूडियो वालों के पैसे लगे हुए हैं, तो मैं अभी उनको बुलाना चाहता हूँ इधर ही। यू सिट सिट नो नो सिट 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 ओके साइलेंस सर। सो जैसे मैंने आपको बताया एंड वी आर ऑल वन फैमिली, हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली है। कभी कभी हो जाता है, वैसे तो एक बड़ा दिन दो फिल्में ले सकता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए, क्योंकि देर इज़ अ बिग थिंग ऑन स्टेक एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। सो आई विश हिम अ लक एंड गुड लक एंड बाकी सर व्हाटएवर यू वांट टू से सर। अच्छा भैया तो मुश्किल संजय साहब आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बोलिए सर। पहले तो बहुत दिनों के बाद ये लोग मिल रहे हैं, 2 साल के बाद। नो आप लोग सब जानते हैं कि पद्मावत बहुत मुश्किलों का सामना करके बनी है। रिलीज डेट हमने 25 जनवरी का डिसाइड किया, लेकिन वो डेट अक्षय सर की थी, उनकी फिल्म थी पैडमैन, तो आज हमने उनको मिलके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं उनके सामने शायद हमारे लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये फिल्म साथ में आती तो। और उनको सब हमारी जो मुश्किलें उनका मालूम है, उनको पता है, तो 2 मिनट भी नहीं लगे उन्होंने इमिडिएटली कहा कि जो तू चाहे जैसे चाहे मैं तेरे साथ हूँ। एंड आई थिंक इट नीड्स अ वेरी लार्ज हार्ट, यू हैव टू बी एबल टू टू एग्जीक्यूट सो मच गुडनेस। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई वाज हियरिंग एंड आई थिंक आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर अ लाइफ टाइम फॉर व्हाट ही इज़ डन। आई थिंक द इंडस्ट्री, आई थिंक द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द प्लेस टू बी इन, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी बी विथ ईच अदर, स्टैंड बाई ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड आई थिंक द फ्रटर्निटी विल बी वेरी प्राउड ऑफ वॉट अक्षय इज डन टूडे, बिकॉज इट्स अ जेस्चर विच आई थिंक वुड अदरवाइज सीम क्वाइट इम्पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। सो और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अब राउडी राठौर 2 बनाएंगे। सो दैट्स दैट। सो बस यही आप लोगों को बोलना था एंड फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा मैं लेट हो गया एंड बाकी और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तैयारी बिना बोले ही पोस्टपोन हो गई सर। अच्छा वो बेटा अभी ये बात कर लें। संजय सर यस आई एम गोइंग टू डू दैट, यस दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, बिकॉज दैट इज व्हाट माय स्टूडियो एंड क्रियाज दे बोथ हैव टेकन द डिसीजन दैट दे विल कम ऑन 9 एंड आई हैव रिक्वेस्टेड देम आल्सो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इज नो पॉइंट ऑफ नाउ क्लैशिंग एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट His need is more for this date than mine, so I will just go ahead and that's it. And I'm very grateful to also my studio Sony and Kriyaj for accepting the whole thing, because unke bhi paise lage hue hain, unka bhi sab kuch laga hua hai, and that's it. I think for the gesture that Akshay has made, I think all of us should give him a big hand, because this is really, really unheard of, and thank you so much, and God bless. Okay, that one thing, Amit sir, I'll just tell you, let's not miss, because this is all about this, let's not talk about that, because you want to answer, you don't want to answer. मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे पूछ लो, मैं बताऊँ सर। ओके आप चलो, ओके आ जाओ।
बस 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 पीछे भी और थैंक यू आई विल टॉक टू यू लेटर हाँ अभी मुझे मुझे पूछ लो क्या पूछना टू मंथ अरे कब लगा अभी तो पूरा कहानी सुना है यार उन्होंने पूरा अभी तू लेट आया तो बाजू वाले को पूछ बिकॉज दे हैव अ रीजन टू रिलीज इट दिस टाइम It's very essential for them to release it as quickly as possible. So I understand it. Yes, that could have also happened. But the point is not about fighting or knowing clashing. Yes, I'll tell you this much also that we both can easily come on this date. Because there are, the business can happen. There are 4,500 to 5,000 theaters and we both can share it. But at the moment, the stake of their film is much more higher than mine. So, and I, he's a very personal dear friend of mine. I have done many films, so he asked it and I went for it. Akshay sir, after this, if you're releasing on the 9th, then you're going to be clashing with IRE and you have a good release. That I will now see that also. So that will cross the bridge when it comes. Sir, Akshay, what do you personally feel about the entire Padmavati now? Sir, I'm not discussing that, sir. We've done. Thank you. All right. Thank you very much. हाँ क्या बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं।